है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज लास्ट दिन है, ठीक है, लास्ट दिन ट्रैवल करना है तकरीबन 150 किलोमीटर इधर से मुजफ्फराबाद और उधर से इस्लामाबाद। तो बायस बाकी लाहौर चले जाएंगे और मैं रावलपिंडी। तो अभी तो सीन्स ये हैं कि डेटा वगैरह कॉपी हो रहा है, ये देखें कितना रश पड़ा हुआ है, ठीक है, हर चीज़ पड़ी हुई है। और ये आपको एक चीज़ दिखानी थी, ठीक है, और बाकी फिर अभी पैकिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी गंद पड़ा हुआ है, देख लें आप हर साइड पे। तो पैकिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद करते हैं। सो अभी की अपडेट्स ये हैं कि मैं रेडी हो चुका हूँ, अवैस भाई रेडी हो चुके हैं, फारूक भाई रेडी हो चुके हैं, और सबसे हमारे लेजी ग्रुप फैलू, ठीक है, ये देखें अभी तक इनकी पैकिंग जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई। और अली आज गुमसुम बैठा हुआ है, और हमारे सब का जो सीन्स है वो ऐसे हुआ है, जब स्कूल कॉलेज से बच्चों को छुट्टी नहीं होती तो वो जैसे भागते हैं, ऐसे हम लोग भागने लगे हैं अभी। तो बाइक्स वगैरह आपको दिखाते हैं, चलते हैं। अवैस भाई की बाइक, ठीक है, फारूक भाई की बाइक, और अब्दुल्ला लगा हुआ है, ये अपने काशिफ भाई की बाइक, और ये मेरी बाइक, ठीक है। तो बस ये अपडेट्स थी, अभी बस निकलते हैं और मुजफ्फराबाद में जाके करेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर उसके बाद आगे निकलेंगे, और उम्मीद है कि हसन भाई से आज मीटअप हो जाएगा। सो गाइस, फाइनली जो है पैकिंग वगैरह हो गई है कंप्लीट, ठीक है, और बॉयज़ रेडी हैं सारे, रेडी फॉर राइड। तो आमिर भाई हमेशा की तरह लेट, अभी आमिर भाई की सेटिंग चल रही है, वो आमिर भाई खड़े हुए हैं सामने, ओ तो बॉयज निकल रहे हैं, मूव बॉयज, मूव मूव। तो अभी हम लोग लीव करने लगे हैं और फिर अपना मुजफ्फराबाद में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, और ठीक है, गुड है। तो ये सीन्स है, पुल के सीन्स, और बॉयज पुल पे खड़े हुए हैं। तो लेट्स गो यार, तो लगेज के साथ आज बाइक चलानी है, कल मैंने ऐसे ही चढ़ाई थी विदाउट लगेज और फुल मोशन में। ऐसे तो गुड हो गया, बाइक चढ़ गई, नाइस 4x4 यार, मटी बहुत है, साफ रोड पे चल के आपसे करते हैं बातें मजीद। और अभी हम शारदा को कह रहे हैं बाय बाय, बाय बाय शारदा, शारदा या शारदा जो भी है। सो अभी का ये है कि रुके हैं एक जगह पे, पीछे बारिश लट पड़ी थी, ये सूट वगैरह आप देखते होंगे, और मुझे आज सामान बहुत तंग करी जा रहा है, बार बार खुल जाता है, बार बार खुल जाता है। तो अभी इधर एक जगह पर रुके हैं, रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, छोला खा रहे हैं छोला, और छोला खाने के बाद बाकी दो बॉयज़ आ गए हैं, तो फिर निकलते हैं और मुजफ्फराबाद पहुँचते हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि 2.5 घंटे लगेंगे, और तो 2.5 घंटे तो भाई
बहुत मसला है। तो ये केरल में शादी हो रही है, ठीक है, चेकआउट करें। एक की जगह ये एक दूल्हा समझ नहीं आ रही कि और वो सामने जो चीज़ जा रही है वो उठा के लेके जा रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि दुल्हन आएगी। अब मुझे नहीं लगता वो इतनी सी चीज़ में दुल्हन आ जाती है कि नहीं आती। तो बहरहाल हम इंजॉय कर रहे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं। अब ये सूट उतारना है, धूप आ गई है, धूप तो कोड़ूंगा भी सीन ऑन है, ठीक है। सुबह सुबह पकौड़े, तो ये पकौड़े भी हम लोग खाएंगे और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी रिफ्रेशमेंट करके फारिग हो गए और निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ। तो चाय वगैरह भी पी है, कुछ अच्छे शॉर्ट्स तो नहीं दिखा सका क्योंकि इस टाइम शॉर्ट्स दिखाने की ना हालत नहीं है, हालात नाजुक हैं इस टाइम बहुत। तो अभी चलते हैं आगे। सामान ने मेरे आज लास्ट दिन है और लास्ट दिन में ही मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो मुजफ्फराबाद पहुँच के इसका भी कोई हल सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालते हैं, क्या किया जाए इसके साथ। और अभी बस चलते हैं, चलते ही चलते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि 2.5 घंटे का और सफ़र है, तो 2.5 घंटे और बाइक पे। तो मिलते हैं आपको सीधे मुजफ्फराबाद में। ऐसे है कि बस मुजफ्फराबाद के करीब पहुंच गए हैं, बस कुछ देरी पे है मुजफ्फराबाद। और वह सारे पहुंच गए होंगे बिकॉज वो काफ़ी आगे थे, काफ़ी आगे थे। मैं और आमिर भाई राम राम से आ रहे हैं, रेस्ट भी हम लोगों ने रास्ते में एक बार लिया है। तो मुजफ्फराबाद सिटी में जो है आमद हो गई है और बॉयज वेट कर रहे हैं। कितनी देर से आपका टूर, कितनी देर से वेट कर रहे हैं? तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट से वेट कर रहे हैं आप लोग। ओ मतलब ऊपर से आए हैं बिल्कुल शॉर्टकट। तो ये बॉयज बोल रहे हैं कि 1 घंटा और 10 मिनट से वेट कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे थे आपको। तो हमें मिस कर रहे थे। तो क्या सीन है ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट का सीन अभी करते हैं, शाम के 6:50 पे पोटवार बाइकर्स की तरफ से ब्रेकफास्ट रिफिलिंग करवाएं, फिर आगे निकलते हैं इंशाल्लाह। रिफिल करवा लें, रिफ्यूलिंग करवाते हैं पहले, सबसे पहला काम जी रिफ्यूलिंग। और रिफ्यूलिंग करवाएंगे इधर से, पेट्रोल इधर मिल रहा है 113, प्रेस द की मैन। भाई जान इसको करना है फुल और करना है उठा के, नोजल अंदर नहीं डालनी नोजल, ऐसे 700 रुपये का पेट्रोल डाल दिया है हम। सो रिफ्यूलिंग सीन्स कंप्लीट एंड अभी चलते हैं बॉयज़ के पास और 6:50 पे ब्रेकफास्ट करते हैं मुजफ्फराबाद सिटी में। तो सो गाइस बॉयज़ का कहना है कि हमें हार्डकोर राइडर और हार्डकोर तरीके से ना आज जो ब्रेकफास्ट है ना ये एक्सटेंड करते जा रहे हैं ब्रेकफास्ट का टाइम। तो सीन जैसे हैं कि अभी वो कह रहे हैं कि अभी खाना नहीं खाते,
खाना जाके खाते हैं जीटी रोड पे। तो चलते हैं जीटी रोड पे। किधर गए हैं भाई सारे? आ रहे हैं, पीछे ही हैं। तो अभी का कोई सीन नहीं बना, तो पेट में तो चूहे दौड़े हैं, पर 2 घंटे और बर्दाश्त करना पड़ेगा। दिस इज़ मुजफ्फराबाद सिटी, और इधर से निकल के मरी और मरी से फिर इस्लामाबाद से होते हुए ना सीधे जीटी रोड पे। तो चलते हैं उधर ही, उधर के सीन ऑन करते हैं, ठीक है? उधर जाके आप खाना खाते हैं। अब आप ना सिर्फ सफ़र को एंजॉय करें, जाएं देखते जाएं कैसे कैसे हम जाते हैं। तो अभी जो है क्वाला के चेक पॉइंट क्रॉस की है और क्वाला पुल पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है? क्वाला पुल क्रॉस करने के बाद मरी थोड़ा ही रह जाएगा, ठीक है? तो अभी चेक करते हैं इस्लामाबाद 95 किलोमीटर, मरी 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर मरी है। तो ये हम पहुंच गए जी क्वाला पुल। ये क्वाला पुल है, रात में आपको नज़र क्या आएगा, मीटर भी ज़्यादा नज़र आ रहा है बिकॉज ये जो मेरा मोबाइल होल्डर है इसमें मैंने बिस्किट लटकाए हुए हैं। बहुत शदीद किस्म की भूख लगी आज सुबह के, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं विदाउट नाश्ता। तो क्वाला पुल क्रॉस कर लिए, 40 किलोमीटर के बाद मरी में आपको मिलते हैं। ओ तेरी है। सो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मरी पहुंच गए हैं और ठंड से बुरा हाल हो गया है ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो आप ग्लव्स वगैरह पहने जाएंगे, और मैं असल में आ रहा था आहिस्ता, एक बार पीछे कुत्ता लग गया, ठीक है? आमिर भाई को कुत्तों के पास छोड़ा है। आमिर भाई किधर है? तो गाइस ये आमिर भाई फिर से एक बार और ज़्यादा मेरे से भी ज़्यादा स्लो, तो वो आमिर भाई तो मुझे नज़र ही नहीं आया। बरको पहुंच चुके हैं और अब देखना है कि बॉयज जो हैं कौन से होटल पे बैठे हैं चाय पीने के लिए। मुझे तो एक्सट्रीम लेवल की नींद आ रही है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की, तो मजबूरी है अभी और थोड़ा बाइक चलाना पड़ेगा बिकॉज घर पहुँचते हैं। घर पहुँच के आराम से नींद पूरी करेंगे। अभी इधर से चाय वगैरह पी के हम लोग उठे हैं, और बहुत सख्त जो है हालात ख़राब हुए हैं। काशिफ भाई को हम लोगों ने गुड बाय कह दिया है, काशिफ भाई जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हम लोग अभी 1-2 बजे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट आज के रह गया और ये कल वाला और आज वाला इकट्ठा। बिल्कुल, तो ठीक है काशिफ भाई। सर थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत इंटरटेन किया अभी और मैंने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। बहरहाल मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह हम इससे अच्छा प्लान करेंगे और ज़्यादा करेंगे। थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई। तो अब्दुल्ला किधर गया? अब्दुल्ला को भी हमने गुड बाय कह दिया, ठीक है? अब्दुल्ला निकल गया मेरे ख्याल से, तो अभी हम अपने आप को भी गुड बाय करते हैं, चलते हैं। तो ये बाइक कर ली स्टार्ट, अब बैठते हैं बाइक पे। अब निकलते हैं, ठीक है काशिफ भाई, अल्लाह हाफिज़। सो वाइज ऊपर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं वो यार, भूख लगी हुई है। ठीक है अब्दुल्ला भाई,
फिर आ जाए। आप जा रहे हो? ठीक है अब्दुल्ला भाई। तो अब्दुल्ला भाई भी जैसे हमें काम इंशाल्लाह गुड बाय कर रहे हैं। ठीक है फिर अब्दुल्ला भी जैसे हैं कि इस्लामाबाद पहुँच गए हम लोग। वर्कआउट से अभी अभी आपने देखा कि चेयर वगैरह के सेल्स किए और अब्दुल्ला को और काशिफ भाई को भाई बोला क्योंकि अब्दुल्ला ने भी इधर ही स्टे करा है और काशिफ भाई ने भी। तो बाकी जो हम लोग भाई थे सारे सात बजे से पाँच बज गए हैं तो हम लोग सीधे आप प्रभात और जी डी रोड पे जाके करना है खाने का सीन। बस कह रहे हैं कोई अच्छा सा खाना खाते हैं लास्ट लास्ट दिन आप साथ में तो कोई तीन चार प्लेसेस हैं उधर तो उधर चल के देखते हैं क्या सीन है। तो अभी सीधा चलते हैं जी डी रोड पे, आपसे मुलाकात जी डी रोड पे करते हैं। सो अभी जो है ना बहुत मुश्किल से एक होटल ढूंढ आ गया है क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद काफ़ी होटल्स पे देखा है तो खाना ही नहीं है बिकॉज रात के 3:30 बजने वाले हैं। रात क्या सुबह ही होगी है, 3:30 बजने वाले हैं तो सब के हालात जो है ना नाजुक हुए। ठीक है तो हम पांच बंदे हैं, अभी मैं इनको इधर से छोड़ दूंगा, ये लाहौर जाएंगे और मैं घर की तरफ। तो अभी खाने के सीन्स ऑर्डर दे दिए हैं, बेहतरीन सा आज खाना खाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। तो अभी खाने का सीन फिनिश हो चुका है और रात के टाइम क्या बज रहे हैं, साढ़े तीन हो गए हैं और अभी गुड बाय कहेंगे माम फ्रेंड्स को और उसके बाद हम लोग भी घर की तरफ चलेंगे। ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं और हालात इस टाइम नाजुक हुए हैं, रिव्यू इंशाल्लाह इनसे लेंगे। तो अभी के सीन्स ये हैं कि बॉयज़ निकलने लगे हैं, ठीक है तो इनसे मिलते हैं, हम भी अपने घर की तरफ चलते हैं 12-13 दिन के बाद और ये भी अपने घर की तरफ चले। सब गाइस अभी लीव करने लगे हैं, ठीक है लास्ट भाई इनको बोलते हैं। ठीक है थैंक यू वेरी मच। ठीक है आमिर भाई। बस तो मेरा नाम ही राजा जी डाल दिया है, ठीक है पिंडी बॉय राजा जी है राजा जी। ये ग्रुप के सबसे अजीज मेंबर, सबकी जान बचाने वाले ऐसे ही है।
तो चलें अभी घर पहुंचते हैं, नींद पूरी करके फिर आपसे बात करते हैं।